आज मैंने बनाए हैं होल व्हीट ब्रेड। ये ब्रेड आप अगर डाइट कर रहे हैं तो इसे खा सकते हैं। बाहर जो होल व्हीट ब्रेड मिलता है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है वो हमें पता नहीं, लेकिन इसे बनाना बहुत इजी है। मैंने इसे केक मोल्ड में बनाया है इसलिए ये राउंड शेप में आया है। ब्रेड के मोल्ड में बनाएंगे तो बिल्कुल ये बाजार की तरह ब्रेड बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैरेक्टर कुकिंग विद इंदु में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ इंदिरा। यहाँ पर मैं एक बोल में लूंगी आधा कप गुनगुना पानी। पानी ना ठंडा होना चाहिए ज्यादा और ना ही गर्म, हल्का वार्म। अब इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच शक्कर। शक्कर से ईस्ट जल्दी एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर मैंने दो छोटा चम्मच यानी 2 टीस्पून ईस्ट लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 कप आटे का यूज करने वाली हूँ। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो 1 कप के लिए 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच। इसे अच्छी तरह मिला लेना है और इसे 15 मिनट के लिए कहीं गर्म जगह पे अच्छी तरह ढक के रखना है। इस बात का ध्यान देना है कि 15 मिनट के पहले आपको ढक्कन को हटाना नहीं है, नहीं तो ये अच्छी तरह फर्मेंट नहीं होगा। तो देख रहे हैं ये कितना अच्छी तरह फर्मेंट हो गया है। इस झाग से पता चलता है कि हमारा ईस्ट बहुत अच्छी तरह एक्टिव हो गया है और ब्रेड बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप गेहूं का आटा। मैं आगे आपको मल्टीग्रेन ब्रेड भी, ब्रेड की रेसिपी भी ज़रूर जल्दी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कप आटा डाल दिया है मैंने। अब इसमें डालूंगी 1/4 कप ऑयल। ये ऑयल अनफ्लेवर्ड है, ऑयल में कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसे मैं अच्छी तरह इस तरह मिला लूँगी। तो देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी यानी 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। आटे को मैं यहाँ पर गूंथने के लिए यानी मलने के लिए दूध का यूज़ कर रही हूँ। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, आप इसे पानी से भी गूंथ सकते हैं। आटे को थोड़ा स्टिकी बनाना है, जितना ये स्टिकी होगा उतना ही हमारा ये ब्रेड अच्छा बनेगा। स्टिकी मतलब ये नहीं कि आप इसे पानी या दूध डाल के लपसी बना दीजिए, बस हल्का चिपकना, जैसे हाथ में चिपक जाता है ना, बस उसी तरह होना चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरह, अगर इस तरह डो रेडी हो जाएगा तो यानी ये परफेक्ट है ब्रेड के लिए। ये हाथों में ज़्यादा चिपक रहा था तो मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है हाथ में। मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट लिया है इस तरह आटे को मलने के लिए। अब मैं इस डो को रख दूंगी ऊपर इसके तेल लगा के अच्छे से 2 घंटे के लिए कहीं पे भी, कोई भी गर्म जगह पे। किचन में आपको पता है जो ड्रॉअर होते हैं आप उसके अंदर रख देंगे तो इसे अच्छी गर्मी मिलेगी और ये बहुत अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इस तरह इसे कवर कर रही हूँ। आप इसे गीले कपड़े से भी ढक सकते हैं या फिर कोई भी अच्छा ढक्कन लगा दीजिए। बस बात का ये ध्यान दीजिए कि हवा बाहर नहीं आनी चाहिए और बाहर की हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। तो देखिए 2 घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह फर्मेंट हो गया है। साइज़ में ये दुगना हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। अगर नहीं हुआ है तो आप इसे 1/2 घंटे के लिए और रख सकते हैं। देखिए मैंने हाथों में तेल लगा के इस तरह पंच मार के इसमें जो एयर बबल्स थे उसे बाहर निकालना है। अब मैं इसे किचन प्लेटफॉर्म पर रख के, किचन सरफेस पे रख के यहाँ पर इसे अच्छी तरह मलूंगी। यहाँ पर थोड़ा आपको मेहनत लगेगा लेकिन सच मानिए बहुत ही अच्छा और बिल्कुल बाजार जैसा ब्रेड बनेगा। तो इसे देखिए इस तरह मैंने 7 से 8 मिनट इसे मलूंगी यहाँ पर। इस तरह आप घर पे ब्रेड बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इजी है। बाहर के ब्रेड या पाव आप देखेंगे वो किस तरह बनाते हैं हमें पता नहीं, वो हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं कि नहीं वो भी हमें नहीं पता। लेकिन आप इसे घर पे इजीली बना सकते हैं और आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर फ्रिज में नहीं, बाहर 4 दिन तक रख सकते हैं, ब्रेड आपका ख़राब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 7-8 मिनट में रेडी हो गया है। मैंने इसे हथेलियों से देखिए इस तरह फैला के स्क्वायर शेप में उस पर ऑयल लगा दिया था। अब जिस तरह बचपन में हम पॉकेट बनाते थे ना कागज़ की खेलने के लिए, बिल्कुल इसी तरह ये पॉकेट बनाना है। इससे जो हमारे ब्रेड बनेंगे वो बिल्कुल बाजार की तरह बनेंगे और वो बहुत ही स्पंजी बनेंगे। यहाँ पर मैंने केक टिन का यूज़ किया है, मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ब्रेड का टिन है तो बहुत अच्छी बात है,
अगर आपके पास ब्रेड का टिन नहीं है तो आप इस तरह केक टिन यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो आप इसे 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लीजिए और फिर इसे 180 डिग्री पर 20 टू 25 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे गैस पे रखूँगी, लेकिन पहले मैं इसे फर्मेंट करूँगी, तो यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से इसे ढक दिया है और गर्म जगह पे रख दूँगी फर्मेंट होने के लिए। ध्यान दीजिए, कपड़ा और आटा चिपकना नहीं चाहिए, एक डिस्टेंस उसके बीच में होना चाहिए। तो वाव, कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है। आपके पास जो भी सीड्स है, फ्लेक्सी सीड्स है या नट्स हैं, आप वो डाल सकते हैं, चिया सीड्स। इससे जो आपका डाइट ब्रेड है बहुत ही हेल्दी बन जाएगा और इसका लुक भी बहुत बढ़िया आएगा। और देखिए, इसके ऊपर के सरफेस पे मैं हल्का सा कट लगा रही हूँ, आपको बहुत ही डीप कट नहीं लगाना है, बस ऊपर हल्के से। आप देख रहे हैं मेरा नाइफ कितना मैंने ऊपर से ही टच किया है, बस इस तरह करने से हमारा ये ब्रेड अंदर तक बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। तो मैंने देखिए कढ़ाई को यहाँ पर हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब मैं इसमें ये केक टिन डाल दूंगी। मैं यहाँ पर 35 टू 40 मिनट्स के लिए यहाँ पर बेक करूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर 35 मिनट्स लगे हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए स्टिक पे ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, तो यानी आपका ये होल व्हीट ब्रेड हेल्दी वर्जन रेडी है। तो देख रहे हैं, हेल्दी व्हीट ब्रेड रेडी है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई है तो इसे ज़रूर बना के देखिए, और बनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, मिलती हूँ कोई अच्छी रेसिपी के साथ।